जय हिंद। मेरठ मित्र चैनल एन टीवी लाइव वेब न्यूज पर मैं हूं आपके साथ नवेद खान। हाल के दिनों में कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें प्यार करने वालों की निर्मम हत्या की गई है। आए दिन इस तरह के मामले, दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें प्रेमिका की हत्या करने के बाद उसके शरीर के टुकड़े कर दिए जा रहे हैं। ऐसे ये खौफनाक मामला देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से आया है। मुंबई में मनोज सहानी नाम के एक शख्स ने अपनी लिविंग पार्टनर सरस्वती वैद की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद मनोज ने पेड़ काटने वाली मशीन चेनसॉ से उसके शव के कई टुकड़े कर दिए। फिर उसने शवों के टुकड़ों को प्रेशर कुकर में उबालकर कुत्तों को खिला दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी मनोज सहानी को गिरफ्तार कर लिया और शव के कुछ टुकड़े बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। तस्वीरों आप देख पा रहे हैं। मुंबई पुलिस ने महिला की हत्या के आरोपी मनोज सहानी को मीरा भयंदर कोर्ट में पेश किया। इसके साथ ही पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसने आखिर हत्या क्यों की। पुलिस आरोपी मनोज से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया कि महिला पिछले 3 साल से इस फ्लैट में मनोज सहानी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। आरोपी ने पहले महिला की लाश को कई टुकड़ों में काटा और फिर उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए लाश के टुकड़ों को मिक्सर में पीसा और फिर उसे कुकर में उबाला। मृतका की पहचान 36 वर्षीय सरस्वती वैद्य के रूप में हुई है। आज यहाँ गीता आकाश दीप सोसाइटी में एक न्यू इंफॉर्मेशन आई थी कि एक घर से बदबू आ रही है, तो मौके पे पुलिस ने आके यहाँ पे दरवाजा खोला तो एक लाश मिली है जिसमें उसके पीसेस किए गए मिले हैं। इसमें जो लिव इन रिलेशन में कपल था, जो कि बंदा है मनोज सहानी करके और उसकी वाइफ थी वह सरस्वती वैद्य करके, सरस्वती वैद्य की उसने हत्या की है और उसने उसका डिस्पोज ऑफ करने के लिए उसका पीसेस करने का ट्राई किया है, ऐसा प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। अभी ये नया नगर पुलिस स्टेशन में इसके ऊपर गुनाह दाखिल करने की प्रक्रिया चालू है। आगे के इन्वेस्टिगेशन में जो भी क्यों किया गया, मोटिव क्या था, इंटेंशन क्या था, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन में बात पता चले।